कमलनाथ सरकार के विकास के दावों की पोल खोलने के लिए उनके मंत्री ही सामने आने लगे हैं। गुना में जब कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया एक कार्यक्रम के मंच पर पहुंचे तो लोगों को लगा कि वो विकास के दावे करेंगे, लेकिन मंत्री जी अपनी और सरकार की कमियों को ही कबूल करने लगे। महेंद्र सिंह सिसोदिया ने मान लिया कि एक साल हो गए उनको मंत्री बने हुए, लेकिन आज तक उन्होंने इलाके के विकास के लिए उद्योग लगाने में नाकाम साबित रहे। क्योंकि मुझे करीब एक साल हो गया मंत्री बने हुए, मगर उद्योग जगत की तरफ से कोई भी अधिकारी या कोई भी ऐसा कार्यक्रम हम लोग नहीं कर पाए जिससे कि उद्योग जगत को बढ़ावा मिल सके। ये मैं अपना खेद प्रकट कर रहा हूँ। आज आपने मुझे बुलाया, इस माध्यम से आप सबसे संवाद भी हुआ, बैठ के बातचीत भी होगी, और जो भी काम हम मध्य प्रदेश शासन से करवा सकेंगे वो गुना के लिए सदैव तैयार रहते हैं। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि राज्य की कमलनाथ सरकार प्रदेश में उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए पूरी तरह शिद्दत से जुटी है। आपको बता दें कि महेंद्र सिसोदिया को कांग्रेस के कद्दावर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया का करीबी माना जाता है। वह अपने विवादित बयानों के लिए भी सुर्खियों में रहे हैं। 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद सिसोदिया को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। इससे पहले गुना से बीजेपी सांसद केपी यादव द्वारा उन्हें सिंधिया का चमचा कहे जाने पर सिसोदिया ने कहा था कि वह सौभाग्यशाली हैं जो इतने बड़े कद के शख्स के चमचे हैं। गुना से विकास दीक्षित की रिपोर्ट।